देखिए मेष लग्न वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य जो रहेगा पहले से अगर कहा जाए तो अच्छा रहेगा, बेहतर होता हुआ दिख रहा है। परिवार में खुशियों का वातावरण भी बनेगा। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग कल के दिन मिलने वाला है और कार्य के क्षेत्र में आपके कार्यों की लोग सराहना करेंगे, जिससे आपका आत्मबल जो होगा वो बढ़ेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे, आपको अवसर प्राप्त होंगे और कल का जो शुभ अंक है 7 शुभ रंग काला बनकर आ रहा है। कुल मिलाकर कल का जो दिन रहने वाला है 85% तक अच्छा रहेगा और कल के दिन आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, जिससे दिन आपका और अच्छा बीते। अगले लग्न की बात करते हैं, वृषभ लग्न। देखिए वृषभ लग्न वाले जातकों का जो स्वास्थ्य रहेगा वो पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में हालांकि किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति होगी, जीवन साथी के साथ मनमुटाव भी हो सकता है या स्वास्थ्य में जीवन साथी के गिरावट होता हुआ कल के दिन देख पा रहा हो। कार्य के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और धन की स्थिति आपकी यथावत बना रहेगा, मतलब किसी प्रकार का चेंज नहीं रहेगा। आय के क्षेत्र में भी आपको अवसर अच्छे मिलेंगे, प्रेम प्रसंग आपका सामान्य रहने वाला है। कल का दिन का जो शुभ अंक है वो 8 है और शुभ रंग पीला बनकर आ रहा है। 78% तक का दिन आपके लिए अच्छा है और इसे और अच्छा करने के लिए शनि का बीज मंत्र करेंगे तो आपका दिन अति उत्तम रहेगा। अगले लग्न की बात करते हैं, मिथुन लग्न। देखिए सबसे पहले मिथुन लग्न वाले जातकों की बात करें तो मिथुन लग्न वाले जातकों का दिन अच्छा बीतने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की संभावना है, लेकिन आर्थिक रूप से स्थिति जो रहेगी काफ़ी मजबूत रहने वाली है। जीवन साथी के कारण आपके मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आज के दिन आय को लेकर अवसर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई कार्य व्यवसाय में कुछ अगर आप निवेश करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा। कल शुभ अंक 5 और शुभ रंग जो है केसरिया आ रहा है और कल का दिन मुझे 89% तक फिर भी ठीक दिखाई दे रहा है। सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि कार्यों में आपके सफलता प्राप्त हो। अगले लग्न की बात करते हैं, अर्थात कर्क लग्न। देखिए कर्क लग्न वाले जातकों का जो दिन रहने वाला है वो सामान्य रहने वाला, बेहद सामान्य बीतने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, परिवार में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, चाहे वो दूर संचार माध्यमों से हो या किसी माध्यमों से, जिससे परिवार में खुशियों का वातावरण भी रहने वाला है। धन की स्थिति अच्छी बनेगी, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आएंगी लेकिन कार्य बनेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कहा जाए तो कुछ रुकावटों के बाद ही सफलता मिलेगी। ओवरऑल तो स्टार्टिंग में कहूँ तो नकारात्मक परिणाम ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग जो है जामुनी कलर आ रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको उपाय करना चाहिए, लेकिन कल का स्पीडोमीटर 79% तक मुझे दिखाई दे रहा है और शिव जी की आराधना अगर आप करते हैं, ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अगले लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न। देखिए सिंह लग्न वाले जातकों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। परिवार में हालांकि खुशियों का वातावरण बनेगा और जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा वो औसत से अच्छा मिलने वाला है। धन संपत्ति की स्थिति जो रहेगी यथावत बनी हुई दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता ज़रूर मिलेगी कल के दिन और रुके हुए कार्यों की पूर्ति भी होते हुए मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूर संचार माध्यमों से लेकर कोई शुभ समाचार ज़रूर आपको
मिल सकता है। हालांकि संध्या काल तक आपको ये समाचार मिलेगा और कल का शुभ अंक 9 और जो शुभ रंग है वो लाल बनकर आ रहा है। कल का दिन ओवरऑल 77% तक आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए जिससे आपका दिन जो रहेगा सुखमय बीते। अगले लग्न की बात करते हैं, कन्या लग्न। देखिए कन्या लग्न वाले जातकों का जो दिन रहेगा कल का दिन अति उत्तम रहेगा और परिवार में भी खुशियों का वातावरण अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है और कल के दिन देखिएगा तो भूमि वाहन से संबंधित कोई नया काम अगर करना चाहते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। भाग्य का सहयोग मिलेगा, धन संपत्ति की स्थिति औसत से अच्छी बनी हुई दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और कल का जो शुभ अंक है वो 6 नंबर और जो शुभ रंग है वो हरा बनकर आ रहा है। कल कुल मिलाकर 77% तक का दिन फिर भी अच्छा रहेगा। उपाय के लिए आपको बुध का बीज मंत्र करना चाहिए जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य रहे वो मजबूत स्थिति में आ जाए। अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न। देखिए कल के दिन आपको सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो अपने स्वास्थ्य पर दीजिएगा। हालांकि परिवार में खुशियां रहेंगी, परिवार के जो रिलेशंस रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी पुरानी बीमारी के कारण आपका धन ज़्यादा खर्च कल के दिन होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। कार्य व्यवसाय के लिए आज का दिन बेहद शुभ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन जो रहेगा हालांकि सामान्य बना रहेगा और कल का जो शुभ अंक है 2 और जो शुभ रंग है वो आसमानी बनकर आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो दिन रहेगा 81% तक अच्छा रहेगा। आपको 5 टाइप के अनाज मिलाकर अगर पक्षियों को खिला दें तो आपका दिन काफी अच्छा होगा। अगले लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वृश्चिक लग्न में कि आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है कल के दिन। परिवार में हालांकि वाणी पर संयमित रखिए, परिवार में किसी बात को लेकर मन मुटाव ज़्यादा रहेगा और कारोबार को लेकर भी अकस्मात यात्रा करना आपको पड़ सकता है, लेकिन ये यात्रा जो है आपको पॉजिटिव की जगह निगेटिव ज़्यादा कर सकता है, टेंशन में ज़्यादा दे सकता है, तो यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, जीवन साथी के साथ कुछ योजनाएँ अगर बनाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष जो रहेगा आपका मजबूत करने के लिए आपको कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला मिलेगा जिससे आपका आर्थिक पक्ष भी अच्छा रहेगा। पक्षियों को 5 टाइप का अनाज खिलाइए जिससे कि दिन आपका अच्छा बीते। कल का शुभ अंक 2 और जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी आ रहा है और कल कुल मिलाकर अगर प्रतिशत वाइज देखा जाए तो 80% दिन आपका अच्छा रहेगा। लाल रंग की वस्तुओं का अगर आप दान कल के दिन कर लेते हैं तो दिन अति उत्तम रहेगा। अगले लग्न की बात करते हैं, धनु लग्न। देखिए धनु लग्न वाले जातकों को जो स्वास्थ्य रहेगा उसके लिए थोड़ा सा मुझे डाउन दिखाई दे रहा है कल का दिन। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिए, शारीरिक समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान करेगी, मानसिकता ठीक रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य आपको ज़्यादा परेशान करेगा। परिवार में मिला जुला असर रहने वाला है, मिला जुला वातावरण रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए दिन जो रहने वाला सामान्य रहने वाला है। रोजगार के क्षेत्र में कोई शुभ समाचार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपका धन ज़्यादा खर्च हो सकता है और कल के दिन आपको शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहना चाहिए। शुभ अंक 8 और शुभ रंग जो है नारंगी बन रहा है। कल कुल मिलाकर 84% तक का दिन अच्छा रहेगा और उपाय के लिए केवल विष्णु जी की अगर आप आराधना करते हैं तो आपका दिन अति उत्तम हो जाएगा। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए मकर लग्न वाले जातकों का स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य ही रहने वाला है। हालांकि परिवार में जो विवाद चल रहा था वो खत्म होगा, परिवार में खुशियों का वातावरण आएगा और आज आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ समय निकाल पाइएगा जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। लेकिन वार्तालाप करते समय अपने वाणी को संयमित रखिएगा, नहीं तो किसी प्रकार का विवाद किसी के साथ होगा जिससे मानसिक तनाव आप ही को ज़्यादा मिल सकता है। और धन अर्जन करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपके व्यापार को लेकर कहा जाए या आपके जॉब को लेकर कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद या कुछ रुकावटों के बाद कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग ग्रे बनकर आ रहा है और कल का दिन 82% तक अच्छा दिखाई दे रहा है।
आपको कल के दिन शनिदेव की अगर आराधना करेंगे तो दिन आपका और अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए जो स्वास्थ्य रहेगा वो ओवरऑल एवरेज से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर मुझे चार्ट में दिख रही है। परिवार में किसी वाद विवाद को लेकर जो है मानसिक स्थिति जो रहेगी वो तनावपूर्ण रहेगी। कार्य व्यवसाय के लिए जो दिन दिखाई दे रहा है वो ओवरऑल अच्छा है। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, स्थिति जो है जीवन साथी के लिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, और साथ में आर्थिक स्थिति भी को लेकर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। जो कल का शुभ अंक है वो 7 है, और जो शुभ रंग आ रहा है वो आपका रक्त लाल आ रहा है, और 75% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल के दिन अगर विष्णु सहस्र नाम का अगर आप पाठ करते तो आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। वैवाहिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। कार्य व्यवसाय में सफलता के पूरे पूरे योग कल दिखाई दे रहे हैं, और रुके हुए कार्य की पूर्ति भी आप कर पाइएगा। आय के जो अवसर होंगे वो आपको अच्छे मिलेंगे, और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। कल का शुभ अंक 3 और जो शुभ रंग है वो लाल बनकर आ रहा है। कल ओवरऑल 78% तक का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको केवल महामृत्युंजय की कल एक माला कर देंगे तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा।